लक्ष्मी माता जिससे रूठ जाती है, उसे ऐसा लगता है जैसे दुनिया उससे रूठ गई हो, और जिसे माता का आशीर्वाद मिलता है उसकी सारी मुश्किलें आसान हो जाती है। इसीलिए शायद कहते हैं, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। इतिहास में ऐसी कई पहेलियां हैं जिन्हें इंसान ने सुलझाया है। वैसे एक अनसुलझी पहेली जिसे 1932 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट डेविड ने लिखा था इस किताब में। उन्होंने कनिष्क साम्राज्य पे किए अपने सालों के रिसर्च को इस किताब में लिखा है, और उन्हें पूरा विश्वास था कि बादशाह ने कनिष्क की संपत्ति जंग में दुश्मनों से बचाने के लिए यहीं आसपास कहीं छुपाई है। अपनी बात का विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने कई सबूत इस किताब में लिखे हैं। उन्हीं सबूतों में से एक है ये लॉकेट। ये उस बक्से की चाबी है जिसके अंदर खजाने तक पहुंचने का नक्शा है। चाबी तो जैसे तैसे ढूंढ निकाली उसने, पर मरते दम तक वो ये बॉक्स न ढूंढ सका जिसके बगैर खजाने तक पहुंचना नामुमकिन था। 4 महीने पहले हमें वो नक्शे वाला बॉक्स मिला, वो भी यहां के ब्लैक मार्केट में। एक्सकेवेशन के लिए 4 महीने बाद यहां की सरकार से मुझे इजाजत मिली। डेविड अपने आखिरी वक्त यहीं पर रिसर्च करते करते मर गया। हमें जिसकी पक्की और सही इंफॉर्मेशन है, हमें किसी भी तरह वो चाबी ढूंढनी और वो खजाना भी। सर, वो खजाना बेशकीमती होगा ना? आपको जानकर खुशी होगी कि उस खजाने की कीमत 50,000 करोड़ है। स्टूडेंट्स, हमारा मकसद है कि हमें उस बेशकीमती खजाने से ज्यादा दुनिया के सामने हमारे इतिहास को उजागर करना है। आतंकवाद के आन, हम हैं तालिबानी सुल्तान। खौफ की मौजूदगी, खौफ का तुझे एहसास है सुनकर हमारी रूह को सुकून मिला। मेहनती और ईमानदार है तू। खबर मिली है कि तेरे पास किसी बेशकीमती खजाने का बक्सा है, और उस खजाने को ढूंढकर तू पाकिस्तान सरकार को सौंपना चाहता है। इरादा नेक है। तूने अपनी पढ़ाई लिखाई विदेश में की है ना? लगता है तू इस मुल्क की तहजीब भूल चुका है। किताबों में जैसे पढ़ते हैं, वैसे यहां हर 5 साल में सरकार चुनकर नहीं आती। यहां की सरकार भी मेरी और हुकूमत भी मेरी। बॉक्स कहां छुपाया है? जैसे ही तुझे इस बॉक्स की चाबी मिल जाएगी तो मुझे देगा, वरना ऊपर पहुंचा दूंगा। आजा। कान खोल कर सुनो, आज इसी वक्त से जो सांस आप लेते हो, जो पानी आप पीते हो, जिस जमीन पर खड़े हो, सब कुछ मेरा है। जो कुछ भी यहां मिलेगा वो सबसे पहले मुझे दिखाओगे। इस इलाके को छोड़कर कोई नहीं जाएगा। यहां कहीं खजाना छुपाया है वो नहीं मिलता। तब तक तुम सब
मेरे गुलाम हो। गौतम वर्मा वर्सेस बंगाली बाबा कंपनी। देरी के लिए माफी चाहता हूँ जज साहब। नमस्ते। नियम नहीं जानते क्या? कौन है ये? लेट क्यों हो गया? सॉरी योर ऑनर, ये मेरा क्लाइंट गौतम है। इस ढोंगी बाबा के टीवी और ट्रेनों में एड देखकर इन्हें बहुत नुकसान हुआ है। इन्होंने कहा था कि 60 दिनों में मेरे क्लाइंट के भाग्य जाग जाएंगे, और ये मामूली सा लॉकेट मेरे क्लाइंट को सौंप दिया। भाग्य तो जागने से रहा, पिछले महीने का लाइट बिल ना दे पाने के कारण घर के सारे बल्ब बुझ गए। और तो और, इन्होंने मेरे क्लाइंट को दिन में सिर्फ एक बार खाने की सलाह दी। मेरे क्लाइंट को जो शारीरिक और मानसिक तकलीफ हुई उसकी ये भरपाई कर दे, मेरी कोर्ट से बस यही गुजारिश है। कोर्ट में आजकल कैसे कैसे केसेस जाने लगे हैं। सबूतों के आधार पर कोर्ट ये फैसला करती है कि ये बंगाली बाबा की कंपनी 13,000 रुपए कैश और पोस्टल चार्जेस के 250 रुपए मिस्टर गौतम को वापस करे। और मैं मिस्टर गौतम को एक सलाह दूंगा कि बेकार के ताबीजों और तंत्र मंत्र के चक्कर में न पड़कर अपनी मेहनत से आगे बढ़े। थैंक यू योर ऑनर, आपने जजमेंट के साथ साथ प्रवचन भी अच्छा दिया। भगवान आपका भला। थैंक यू सर। जैसे ही तुझे पैसे मिल जाते हैं मेरी फीस दे देना। दे दूंगा। गौतम बाबू, आप पे भरोसा करके मटका खेला, लॉटरी पे पैसे लगाए, सब हार गया। जज को बताता तो जुर्माना पड़ जाता। मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की थी, अब बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? आपके ही राहु केतु गर्दिश में है। शर्म कीजिए, वक्त बदल गया है, आपकी शनि की पनौती उतर गई है, आपके सारे के सारे ग्रह लाभ योग दर्शा रहे हैं। ये देखिए, हिमालय की अंतिम शिखर की अंतिम चोटी से ये चमत्कारी ताबीज लाया हूँ। एक बार पहनकर तो दिखाइए। शाबाश। मैंने ऐसा तेज तुम्हारे चेहरे पर पहले नहीं देखा था जैसा आज देख रहा हूँ। इस ताबीज से तुम्हारे सारे दुख दारिद्र दूर हो जाएंगे। 4 बार पहले भी बता चुके हैं, इससे नसीब खुलेगा। जब देखो तब नकारात्मक सोचते हो, कोशिश करने में क्या बुराई है? ठीक है। सुनो बेटा, मार्केट भाव के हिसाब से इसका 25,000 होता है, पर आप पुराने ग्राहक हैं इसलिए 10,000 डिस्काउंट, और कोर्ट का भी 13,000 माइनस कर दें तो 2,000 रुपए बचते हैं। हाँ, अगर नहीं चाहिए तो दे रहा हूँ ना। रफी भाई, आज कहाँ जाना है? श्रीनगर कॉलोनी से माधवपुर जाना है, 12 ATMs में पैसे डालने हैं। यार आज लॉटरी का रिजल्ट निकलने वाला है, आज का मेरा राशिफल क्या कहता है? क्या बताऊं यार, सारे ग्रहों की दशा हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज की तरह है। अगर एक सपोर्ट करता है तो दूसरा पूरे सपोर्टिंग सिस्टम को हिला देता है। पता नहीं कौन का पलटी मारे। ये तेरा राशिफल है। आज दिन शुभ है, अभी 4/17 से 4/22 लाभ योग है, इसके बाद काल योग है जिसमें तेरा सत्यानाश हो जाएगा। हाँ, भाग्यांक और फेंगशुई कहते हैं कि अगर किस्मत चमकानी है तो फिल्म स्टार के यहाँ जन्म लो। लॉटरी वॉटरी से कुछ नहीं होता। इस बार लॉटरी लगे ना लगे, सूद समेत तू मेरा उधार लौटा देना, समझा? उड़ा ले मजाक, इतने से पगार में तू पूरी जिंदगी सड़ता रहेगा, उसका क्या फायदा? अरे कम से कम सुखी तो हूँ, तेरी तरह पूरी तनख्वाह लॉटरी में नहीं लुटा देता। देखिए स्कूल गया था आज? नहीं जा पाया। क्यों नहीं गया था? जेल गया था अपने बाप से मिलने। उसने कहा तेरे साथ खेलूंगा तो बिगड़ जाऊंगा। उसकी तो तेरे पॉकेट मार बाप से तो मेरी नौकरी अच्छी, देख लेना चिकी, इस बस्ती को एक दिन तोड़कर मैं तुम बच्चों के लिए डिज्नी वर्ल्ड बनाऊंगा। अभी कहाँ जा रहा है? लॉटरी शॉप। लॉटरी शॉप, गौतम फिर से लॉटरी शॉप जा रहा है। तू बोल, मैं देखता हूँ। 99 ठीक है, 99 63 हाँ 63। सच में 4 नंबर लगे? पहले 4 नंबर सब टिकट के एक ही होते हैं। चल तू आगे बोल। 57 हाँ 57 4 4। अरे दूध उबल के गिर जाएगा, गैस अभी आया। अरे रुक, मेरा टाइम अच्छा चल रहा है, देख। अच्छा आगे बोल। 1 हाँ है, 1 है। आखिरी नंबर बोल जल्दी। नंबर 8। हाँ? नंबर 8। अरे वाह, अरे तेरी लॉटरी लग गई बापू। अरे लग गई, लग गई, अरे लग गई। जैकपॉट कितने का लगा? 15 रुपए का जैकपॉट लगा। नाचना बंद कर।
करो। डिगी 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 डिगी। अरे 15 रुपए का कॉन्सोलेशन प्राइज लगा भाई। बुरा टाइम शुरू। 15 की लगी है, मुझे पता नहीं था इसने नाचा। तू क्यों नाचा? जिंदगी में पहली बार तेरे साथ कुछ अच्छा हुआ रे। सही कहा। कभी तो मेरी भी किस्मत का तारा चमकेगा, तब तुम्हें 5 स्टार की चाय पिलाऊंगा। इतनी सारी पॉकेट मनी हमारी खा चुका है, वो कभी उठाएगा? इस जन्म में या अगले जन्म में? चुका दूंगा। कॉलेज जाने से पहले एक बार 1000 का नोट देख पाऊंगा। ओए, एक ही बात करता है, कितनी छोटी सोच है तेरी। ठीक 4 बजे एटीएम आ जाना, 1000 का बंडल दिखा दूंगा, ठीक है? 10 पैसे 10 पैसे 10 पैसे और 20 50 पैसे। क्या पापा, चिल्लर गिनना बंद करेंगे? इन पैसों की आजकल कोई वैल्यू नहीं है। बेटे, अगर किसी भिखारी को 50 पैसे दूंगा ना तो वो तो ले ही लेगा, लेकिन तेरी ये कभी ना लगने वाली लॉटरी टिकट भिखारी भी नहीं लेगा, समझा? गरम कॉफी लो और दिमाग ठंडा रखो। माँ, मेरा टिफिन। सब्जी पक रही है, 5 मिनट रुक जा। 30 40 और आपकी इसी चिंदीगिरी की वजह से मेरी नसीब की तिजोरी नहीं खुल रही है। बाहर जाता हूँ तब चिल्लर गिनते हैं, घर में आता हूँ तब चिल्लर गिनते हैं। भिखारियों से ज्यादा चिल्लर है आपके पास? अरे करम जले, लक्ष्मी माता भी अगर तेरे लिए चेक साइन करेंगी ना तो वो भी बाउंस हो जाएगा। माँ, मैं नहीं जानता तेरा नाम क्या है, पर मैं बस इतना जानता हूँ कि तू हमारे खानदान की कुलदेवी है। तूने मेरे खानदान को कड़का क्यों बनाया? किसी को तो अमीर बनाती। छप्पर फाड़ के इस घर में धन की बारिश हो और इनकी आंखें खुल जाए, चमत्कार करवा दे। बालू, बैग्स को जरा बाहर रख दो, संभल के। आज तुम 1000 दीपक जलाओगी बेटी? हाँ पंडित जी, मन्नत जो मांगी थी। वाह बेटी, मैंने तुम जैसी श्रद्धा किसी में नहीं देखी। भगवान में अटूट विश्वास है तुम्हारा, तुम्हें जरूर अच्छा वर मिलेगा। परेश रावल, ओ माय गॉड, मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया कि अंधविश्वास पर विश्वास करना बेवकूफी है। हमारा काम है ईमानदारी से मेहनत करना, और उसका फल ऊपर वाले का जब मूड होगा तब देगा। तू अपनी काली जबान की पनौती मुझे देने के बजाय अपने पास ही रख, आज तू देखेगा मेरी किस्मत कैसे खुलती है। मुझे बाबा जी ने बोला है आज मेरा दिन है, 2000 के लॉकेट के साथ 1000 रुपया बख्शीश दिया है। राशि फल सब्जी फल को भूल जाते हैं। अगर तुझे जल्दी से करोड़पति बनना है तो यही बढ़िया मौका है। गाड़ी में जो मैंने कहा भूल जा। अबे साले, तू क्या दाऊद से मिलकर आया जो मेरे को क्रिमिनल आइडियाज दे रहा है? मेरे ना हो तो करोड़ रुपए नहीं चाहिए, लेकिन अगर मेरा हो तो 1 रुपया नहीं छोड़ता। आ जाओ आ जाओ। ये मेरे बस्ती के बच्चे हैं, इन्होंने इतना पैसा कभी एक साथ नहीं देखा। अगर आप इजाजत दे तो मैंने पैसे दिखा सकता हूँ। थैंक यू। आ जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी जल्दी, देख लो देख लो, जल्दी आओ। क्या मैंने छू सकते? सर, बच्चों को बंडल छूकर देखना है, वो छूकर वापस देंगे। मैं हूँ ना, प्लीज सर, प्लीज। थैंक यू सर। अरे नोट तो असली है। वो कहाँ गए? माल मिला है।
चलो अरे रुको कहाँ जा रहे हो अरे मुझे छोड़ कहाँ जा रहे हो रुको अगर इतना ही कीमती नारियल था तो कोई सिक्योरिटी गार्ड रख लेती। लो रिप्लेसमेंट नारियल केदारनाथ में चढ़ा देना। जी तो करता है ये नारियल तुम्हारे सर पे फोड़कर तुम्हारी चटनी बना दूं। सुनो भाई आपके पैसे गिर गए। वो लोग एटीएम लूट रहे थे। जब एटीएम में पैसे डाले जा रहे थे तो कुछ गुंडे वहां आए और उन्होंने एटीएम को लूट लिया। उनके पास हथियार भी थे। फिर आपने क्या किया? मैंने उन्हें अपनी जान पर खेलकर पकड़ा। इस बहादुरी के लिए तो आपको इनाम मिलना चाहिए। वो फैसला मेरी कंपनी करेगी। मुझे लगता है प्रमोशन पक्का है। रुके रुके पुलिस आ गई। आज एक साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसी बहादुरी करके दिखाई कि जितनी तारीफ की जाए वो कम है। हम सबको ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाने की जरूरत है ताकि देश में कभी कोई गुनाह ना हो। तुमने तो कमाल कर दिया गौतम। थैंक यू सर। बेटे गौतम आजकल तो क्रिकेटर्स और पॉलिटिशियंस ही टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज बनकर छाए रहते हैं। मेरा दिल खुश हो गया तुम्हें टीवी पर देखकर। आज मैं तुम्हारे घर के सामने नल लगवाने का सबके सामने ऐलान करता हूँ। खुश आज मुझे पहली बार तुझ पर नाज हो रहा है। अरे तुम लोग रुक क्यों गए? नाचो गाओ नाचो रे। साहेब सुपरवाइजर साहेब ऑफिस ने यह फैसला किया है कि जो पैसे तुमने बचाए हैं उसका 10% तुम्हें इनाम में दिया जाएगा। बड़े भाई मुझे 1,00,000 उधार दोगे क्या? क्या उधार क्यों दूंगा? गुंडों को मैंने पकड़ा, ये मेरे मेहनत की कमाई है। सर आप मुझे यहाँ खुशखबरी देने आए हैं ना? थोड़ी देर इंतजार करो सब पता चल जाएगा। ए, ग्रहों ने व्हाट्सएप किया तेरा वक्त बुरा चल रहा है। सर सिर्फ मेरा प्रमोशन हुआ है कि लूट का 10% मेरे नाम हुआ है। प्रमोशन नहीं बेगधे, तेरा डिमोशन हुआ है। लूट की वारदात एटीएम के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, ये देख। भीड़ मत करो, हवा आने दो। अगर तुम अपने काम पर ध्यान देते तो यह हादसा ही नहीं होता। प्रवचन मत दो, मुझे प्रमोशन के बारे में बताओ।
सच्चाई बताऊंगा तो तुम सुन ही नहीं पाओगे। बैंक ने हमारी सिक्योरिटी कंपनी को वार्निंग देकर छोड़ा है। शुक्र मनाओ तुम्हारी नौकरी नहीं गई। कितनी बदबू आ रही है, पता नहीं खान मुझे यहाँ क्यों ले आया, कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया। आज से रोज तुम्हारी ड्यूटी यहीं पर होगी। यहाँ पर? यहाँ कौन सा खजाना गड़ा है? खजाना छोड़, अब तू अपने एरिया के बच्चों को बुलाकर यहाँ खेल सकता है, यहाँ कोई कैमरा नहीं है। इसकी तो किस्मत चमक गई, प्रमोशन में डंप यार्ड की खुशबू मिल गई। क्या रे गौतम, इनाम के पैसों से नया परफ्यूम खरीदा है क्या? बढ़िया खुशबू आ रही है। हीरो बनने के चक्कर में कहीं इसी ने तो चोरी नहीं करवाई थी? बाबा जी की तावीज पहनकर इसने तो अपना रेप भी करवा लिया है। अब अगर डंप यार्ड में गलती करेगा तो शौचालय में पोस्टिंग होगी। सिक्योरिटी एजेंसी ने लूट की इंक्वायरी शुरू कर दी है। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से पता चला है कि सिक्योरिटी गार्ड गौतम के गैर जिम्मेदाराना बर्ताव की वजह से यह लूट हुई। लुटेरे तो पकड़े गए। आ गया बेवकूफ, अपने साथ हमारे बस्ती का भी नाम बदनाम कर दिया। ऐसे आदमी को तो यहां से धक्के मार के निकाल देना चाहिए। श्रीनगर कॉलोनी के एटीएम लूटने की घटना में एक नया ट्विस्ट आया है। गौतम जिसने लुटेरे को पकड़वाया उसी को उसकी लापरवाही के लिए वार्निंग दी गई है। कितनी बदबू है, गटर साफ कर रहा था क्या? ए, जाके नहा ले जल्दी से। इससे अच्छी खुशबू तो मेरे सॉक्स से आती है। अब भी बदबू आ रही है, अगर आ रही है तो कसाई से अपनी चमड़ी उधेड़वा देता हूं। आप एक पल के लिए बदबू बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, मुझे रोज पूरा दिन उस बदबू में खड़े रहना है। आपने मेरी पढ़ाई बंद करवा दी, चार पैसे भी नहीं दिए धंधा करने, अब बात करते हैं। एक बाप होने के नाते कभी पूछा है अपने बेटे को क्या चाहिए? बस पैदा करके बस्ती की गलियों में छोड़ दिया, न जाने कौन से जन्म का पाप था जो मुझे तुम जैसा पाप मिला। अरे अपनी करनी का मुझे क्यों दोष दे रहा है? अगर बच्चों को पैसे दिखाने ना ले गया होता एटीएम में तो ये दिन ना देखना पड़ता। अब तुम ही बताओ मेरी क्या गलती है इसमें? ये पहले से ही इतना गिरा हुआ है, अब इससे ज्यादा और कितना गिरेगा? ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है। परेशान है बेचारा। बाहर से ज्यादा बरसात तो यहां पर है।
पुष्य कालावती डायमंड्स। मैं सत्यनारायण वर्मा इस वसीयत में अपनी सारी जायदाद अपने बेटे नरेंद्र वर्मा के नाम कर रहा हूं। मेरी जायदाद में से घर और जमीन सब कुछ तबाह हो गया, बस किसी तरह 900 हीरे बचा पाया हूं। आज 1947 में इसकी कीमत है करीब 60 लाख रुपए। इन हीरों पर सिर्फ मेरे बेटे का और फिर उसके बेटे का और फिर उनके वारिस का हक रहेगा और कोई इसका मालिकाना हक नहीं जता सकता। पापा 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 उठिए ना। अरे क्या है? उठिए ना पापा। अरे सोने देना भाई। देखिए मेरे दादाजी आपके लिए वसीयत छोड़कर गए हैं। हैं? लिखा है उन्होंने आपके लिए 900 हीरे छोड़े हैं। एक काम कर, मैं तुझे सुबह लॉकर की चाबी दे दूंगा, तू जाकर वहाँ डिपॉजिट कर देना, ठीक है? अब मुझे सोने दे। अरे बाद में सोइएगा, उठिए। क्या है? जरा इस वसीयत पर एक नजर तो डालिए, उन्होंने हम लोगों के लिए 900 हीरे रखे हैं, पढ़िए। मुझे लगता था हमारे घर में सिर्फ एक ही पागल पैदा हुआ है, तेरे दादा भी सर फिरे थे, आज पता चला। बेटे तेरे दादा ने शायद इतनी जायदाद मेरे लिए कमाने के सपने देखे होंगे। फूटी कौड़ी दी नहीं, टाइम पास के लिए विल बना गए और तेरे जैसे नमूने में अपने अंश डाल गए। ले पकड़ ये फटी जायदाद और अब मुझे चैन से सोने दे। उनके बारे में कुछ तो बताइए। क्या है? मैं छोटा था तभी तेरे दादाजी गुजर गए, कुछ सालों के बाद तेरी दादी भी गुजर गई। जहां तक मैंने सुना था तेरे दादाजी मरते दम तक एक साइकिल चलाते थे, वो भी टूटी फूटी। अगर उनके पास हीरे मोती होते तो क्या वो इस तरह की टूटी साइकिल चलाते? सुन, मुझे तो लगता है उनके भी दिमाग का सर्किट उड़ गया था जो ये विल बनाई। वो तो मर गए, अब तू मुझे क्यों मार रहा है? जा जाके सो जा, जा वरना मम्मी को बुलाऊंगा। अगस्त 1947, पाकिस्तान से हिंदू और सिखों को खदेड़ा जा रहा था। डरा सहमा सा मैं घर में रेडियो सुन रहा था। दंगे फैलाने वालों को रोकना पुलिस के बस से भी बाहर हो गया है। पुलिस ने जनता से निवेदन किया है कि वो अपने अपने घरों में ही रहें। लुटेरे नामचीन लोगों को मारकर उन्हें लूट रहे हैं। पूरे शहर मदद के लिए मैंने दोस्तों को फोन किया। चारों तरफ अफरा तफरी। मोहम्मद भाई, मैं सत्यनारायण बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। देखिए मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या दंगे खत्म होने तक मैं आपके घर में रह सकता हूँ? अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो वो हमें और हमारे परिवार को भी मार डालेंगे। किसी से मत कहिएगा कि हम दोस्त हैं। हेलो पुलिस स्टेशन, बाहर दंगे चल रहे हैं, मारकाट मची हुई है, मैं यहाँ घर में अकेला हूँ, क्या आप मुझे सुरक्षा देंगे? पुष्प कलावती नाम की हीरों की दुकान का मैं इसकी तो एड्रेस नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अभी आना बहुत मुश्किल है हुजूर, अगर आपको अपनी जान बचानी है तो फौरन देश छोड़ दीजिए। मैं घबराहट में अपनी सूझबूझ खो बैठा था, तभी बाहर कुछ लोग तोड़फोड़ करते नजर आए। इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचते, मैंने वहां से निकलने का फैसला किया, पैसे गहने और हीरे झोली में भरे और अपनी कार की ओर भागा। कुछ लोगों ने मुझे भागते हुए देख लिया और मेरा पीछा करने लगे,
पर किसी तरह से मैं वहां से बच निकला। वो जानते थे कि मेरे पास बेशकीमती हीरे हैं। मुझे मेरी मौत का खौफ था, इसलिए कुलदेवी माँ हिंगलाज देवी के रास्ते में दर्शन किए और तेजी से आगे बढ़ता रहा। पूरा इलाका लाशों का ढेर बन चुका था, चारों ओर मारकाट मची हुई थी। भागने के रास्ते कम थे। जब मैं छोटा था तो मुझे पता था कि राजा युद्ध के दौरान किसी गुप्त रास्ते से जाया करते थे। एक दिन मैंने वो देख लिया, पर अंदर जाने की कभी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज जोखिम उठाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ये आधे पन्ने तो दीमक खा गए हैं। डरता हुआ मैं खुफिया रास्ते में दाखिल हुआ। सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे गया, दरवाजा खोला तो सामने एक खौफनाक बड़ी गुफा थी। मेरे कदमों की आहट भी मुझे डरा रही थी। उस भूल भुलैया में पता नहीं मैं कहां जा रहा था। तभी अचानक एक कंकाल से टकराया। कंकाल से टकराते ही एक चेन मेरे हाथ में गिरी। मैं डर गया। चेन लेकर मैंने वापस लौटने का फैसला किया। सारे रास्ते एक जैसे थे, इसलिए मैं रास्ता भटक गया। चार घंटों पागलों की तरह अंदर घूमने के बाद मैंने जीने की उम्मीद छोड़ दी। मैं बुरी तरह से थक गया था, इसलिए मैं आराम करने के लिए एक जगह रुक गया। मैं जहां बैठा था वहां धातु के पक्षी बने हुए थे। उनमें से एक के अंदर मेरे हीरों की थैली गिरी। वजन पड़ते ही उस पक्षी का पंखनुमा ढक्कन बंद हो गया, स्तंभ के ऊपर का हिस्सा खुला और मेरे पैसे गहनों की पोटली कहीं अंदर चली गई। स्तंभ के ऊपर के हिस्से को मैंने काफी खोलना चाहा, पर वो खुला नहीं। पास रखे पत्थर को हटाना चाहा, पर वो टूट गया। तभी जमीन हिलने लगी, मानो भूकंप आ गया हो। पत्थर का पुल दो हिस्सों में बट गया और मैं नीचे जा गिरा। सिर्फ भगवान ही जानते हैं कि मैं उस मौत के कुएं से कैसे बचा। मेरे लिखे रास्ते पर अगर कोई जाता है तो शायद उसे खोए हीरे मिल जाए। काम की सारी जानकारियां गायब हैं। ये हिंगलाज देवी मंदिर कहां होगा? मेरे दादाजी का घर कहां था? हाँ हाँ, उस तरफ। जरा संभाल कर करना, कहीं कुछ टूट ना जाए। जरा एहतियात से। हाँ, थोड़ा उस तरफ खोदो। वक्त जाया कर रहे हो तुम लोग मेरा, जल्दी करो। काम चोर कहीं के। मंसूर मियां, हम खजाना खोज रहे हैं और उसके लिए बहुत सब्र की जरूरत है। अगर इस तरह बेचैन हो जाओगे तो काम में मुश्किल हो जाएगी। यस सर। बड़े साहब, जरा यहाँ आइए जल्दी। क्या बात है? यहाँ हमें एक धातु का पक्षी मिला है। उसे बाल्टी में रख कर संभाल कर ऊपर भेजो। बोलिए अब्बा। अरे गुड न्यूज है। क्या हुआ? खजाने के हम बेहद करीब हैं। कनिष्क साम्राज्य के धातु के पक्षी का स्टैचू हमें मिल गया है।
वही धक 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 धक, फिर वही खौफ सुनाई दे रहा है। खौफ की रफ्तार भी वही है, पर ये खौफ मेरा नहीं है। इसे एक ही खौफ है कि कहीं वो बेशकीमती खजाने तक मैं ना पहुंच जाऊं। सुल्तान मौका परस्तों को दूसरा मौका नहीं देता। तू तो बड़ा ईमानदार है, अगर मेरी निगाहों से ओझल हो गया तो शायद तू बच जाए। आज से इस प्रोफेसर की जगह तुम्हारी हुई। ईमान से काम करो, इनाम पाओगे। भाग, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक तेरी सांसें। इन फटे पन्नों पर यकीन करूं या फूटी किस्मत पे रोता रहूं? अगर ये मनगढ़ंत कहानी है तो दादाजी से इस तरह हिफाजत से क्यों रखते हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। देवी, प्राचीन हिंदू मंदिरों का फोटो एग्जीबिशन स्टेट गैलरी ऑफ फाइन आर्ट्स में आना मत भूलिए। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। सुनिधि, लगता है भगवान की बहुत बड़ी भक्त है। हिंगलाज मंदिर पाकिस्तान। क्या है मंदिर पाकिस्तान में? हाँ, वहाँ जाने देते हैं। वैसे तो ये धार्मिक यात्रा होगी, पर देवी माँ के दर्शन के लिए भी सरहद के पार जाना खतरे से खाली नहीं है। और तो और, पाकिस्तान का वीजा मिलना भी उतना आसान नहीं। यहीं से आशीर्वाद ले लो और घर जाओ बेटा। दुनिया 2012 में खत्म नहीं हुई, इसलिए खुश होने की जरूरत नहीं है। खतरा बस कुछ दिनों के लिए टल गया है। पाप इतना बढ़ गया है कि सृष्टि का विनाश निश्चित है। आप ये तभी समझ पाएंगे जब विनाश की पिछली घटनाएं देखेंगे। कभी सुनामी, कभी भूकंप, तो कभी बाढ़ और कभी आतंकवादी हमले। कभी गर्मी में बरसात, तो कभी बरसात में 12 फुट पानी। इसलिए दुनिया तबाह होने से पहले सारे विख्यात और प्राचीन मंदिरों में माथा टेकने जाना चाहिए, ताकि आपके पापों का प्रायश्चित हो सके। दुनिया तबाह होने वाली होगी तो कोई मंदिर नहीं जाएंगे, खूबसूरत लड़की को लेकर बीच पर जाएंगे। मैं इसी भ्रष्ट बुद्धि की बात कर रही थी। हमें भक्ति मार्ग पर जाने से रोकने के लिए ऐसे अनगिनत बेवकूफ मिलेंगे। इन जैसों की बातों पर ध्यान मत देना। मैंने आज तक काफी प्राचीन देवालयों की यात्रा की है। एंड माय नेक्स्ट स्टॉप इज पाकिस्तान में स्थित सबसे शक्तिशाली मंदिर, हिंगलाज देवी का मंदिर। वहाँ जाना कुछ लोगों की आखिरी इच्छा है, ऐसा हमने पाकिस्तान एम्बेसी को कहा है, तभी वो ग्रुप वीजा देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो सोचिए मत, जो भी पाकिस्तान आना चाहता है अपना हाथ उठाए, ऐसा मौका शायद दोबारा ना मिले। पाकिस्तान जाने की बात ऐसी कर रही है जैसे पार्क में घूमने जाना है।
पहले गलती से मुंह से जोक निकल गया था। जोक नहीं, तुमने पाप किया है। पाप? प्लीज मैडम, मेरे पापों को धोने के लिए आप प्लीज मुझे हिंगलाज देवी के मंदिर ले जाइए। आपकी भक्ति से शायद मेरे पाप धुल जाए। देखो, अगर तुम्हें वहां ले गई तो मुझे पाप लग जाएगा। बेहतर होगा किसी और खूबसूरत लड़की को पकड़ो और उसके साथ टाइम पास करो। अपने आप को खूबसूरत मत कहो। सॉरी 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 सॉरी। अगर मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश की तो ट्रक के नीचे डालकर कुचलवा दूंगी। दूर रहो मुझसे। हेलो, डॉक्टर रवि हैं? यस। मैं सुनिधि बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। आप 10th स्टैंडर्ड में मुझ पे लाइन मारते थे ना, येलो पेजेस से तुम्हारा नंबर मिला। हाँ याद आया, बोलिए बोलिए। वो क्या है, मैं हिंदू मंदिर की यात्रा करवाने भक्तों को पाकिस्तान ले जा रही हूँ। 10th स्टैंडर्ड में तुम भी तो काफी धार्मिक थे ना। वो तो पुरानी बात है। मेरे साथ आना पसंद करोगे? फोन रखो। सबके सब मना कर रहे हैं, मैं तो पागल हो जाऊंगी। पागल हो गई हो क्या? मुझे 1000 भक्तों को ले जाना था, अगर एक को भी नहीं ले गई तो देवी माँ से किया वादा टूट जाएगा, क्या करूँ? मुझसे तो पूछना भी मत, मुझे तुम्हारी मॉम के साथ कहीं वेकेशन पर जाना है। पूछूंगी भी नहीं आपसे, मुझे रिसोर्ट नहीं पाकिस्तान के मंदिर जाना है। पाकिस्तान तो जाना ही है, चाहे लड़की से झूठ बोलना पड़े या उसे मनाना पड़े। दादा तू ही कोई राह दिखा। जिंदगी में वहां जाने का मौका फिर नहीं मिलेगा। वहां गया तो जिंदगी ही नहीं बचेगी। क्या आप ही का नाम सुनिधि है? मेरा नाम गौतम है जी। मैं फ्रॉडी एंड फ्रॉडी ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ। बुरा मत मानिएगा, ये नाम पहली बार सुना है। ज्यादा पब्लिसिटी नहीं किया ना इसलिए। कितना वक्त हुआ ट्रस्ट को खोले? जैसे ही जरूरत लगी खोल दिया। ओके। मैं भी आपके साथ पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। सच कह रहे हैं? हाँ मेरे ट्रस्ट की कसम। मुझे लग रहा था पाकिस्तान का नाम सुनकर कोई मेरे साथ नहीं आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए, पासपोर्ट और पैसे लेकर मेरे घर आ जाइएगा। ले, पकड़े गए तो क्या होगा? दोस्त मेरी कुलदेवी तेरे साथ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जा बिंदास जा। एक मिनट। इसकी जगह काला टीका लगा देता। तुम इतने टेंशन? घर पे कोई है? सुनिधि जी। ओह आइए 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 बैठिए। मुझे तो लगा था कि आप आएंगे ही नहीं। ये रहा मेरा पासपोर्ट और ये पैसे। बचपन का खींचा हुआ फोटो है, उसमें मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ ना? लड़कियाँ पीछे ही पड़ जाती थी। तौबा तौबा, तब जो सिक्स पैक था आज फैमिली पैक हो गया है। पहले आप काफी गोरे थे। भगवान की भक्ति में लीन, इस भक्त ने कभी क्रीम नहीं लगाई। आप जैसे महान भक्त के साथ यात्रा करके धन्य हो जाऊंगी मैं। दिल्ली की 28 तारीख की 2 टिकटें मैं निजामुद्दीन एक्सप्रेस के लिए बुक कर रही हूँ। आप अगर जनरल डिब्बे में भी ले जाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं घुटनों के बल आ जाऊंगा। अच्छा। बस आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो मैं चलूं? माँ, मेरा वजन पहले से बढ़ गया है क्या? पहले तुम एकदम ठीक थी, अब आधा महीना उपवास करके एकदम दुबली पतली हो गई हो। उस अजनबी के साथ तुम इतने दूर कैसे जा सकती हो? चिंता की क्या बात है, देवी माँ है ना मेरे साथ, उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा होगा। एक्स्ट्रा खाना ले जाना, वो मोटू मुझे भुक्कड़ लगता है। ये कौन है? कयामत राजू है, पाकिस्तान का सिक्योरिटी एजेंसी हेड, इंडियन ही है, वहाँ शादी करके सेटल हो गया। शब्बीर अंकल के पहचान का आदमी है, वो तुम्हें लेने आएगा और फिर तुम्हें सही सलामत वापस सरहद पर छोड़ने भी आ जाएगा। मेरी उससे बात हो चुकी है, ठीक है बेटी? कयामत राजू, ये तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक लगता है। पागल हो गया है जो ये पाकिस्तान जा रहा है, इससे कहो कि पागलपन छोड़े और चुपचाप यहाँ अपनी ड्यूटी करे। इन्हें जो कहना है कहे, मैं तो जाकर ही रहूंगा। पर दादाजी, जान जोखिम में डालकर और मुश्किलों का सामना करके वो हीरे आपने सुरक्षित छुपाए हैं, मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अपनी ये जिद छोड़ दे। मैं इस तरह दादा के सपने को नहीं तोड़ सकता। आशीर्वाद दो। अपना ध्यान रखना और जल्दी वापस आना। आशीर्वाद में कह देती हीरे वापस लेकर आना, वो भी नहीं। एक बार और सोच ले बेटा। फिक्र मत कीजिए, जब तक आपका और दादाजी का आशीर्वाद है कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। आप
सॉरी, मुझे लेट हो गया। तुम पूछ तो ऐसे रही हो जैसे पहली बार देख रही हो। जी नहीं, मुझे ये बताओ कि मुझसे मिलने दूसरी बार क्यों आए? चौथी बार। चौथी बार? अब तो भगवान के महान भक्त हैं, भगवान की पूजा में लीन रहती हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। मैं गौतम हूँ और आप मुझे अपने साथ पाकिस्तान ले जा रही हैं। मैं तुम्हें नहीं ले जाने वाली थी, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। दुनिया के विनाश का वक्त नजदीक आ गया है, ये उसी का उदाहरण है कि एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति को नहीं पहचानता। ये देखो, तुमने मुझे ये पर्ची दी है, पासपोर्ट चेक कर लो। वो मोटू फोटो दिखा रहा था तभी डाउट हो रहा था। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। मना करने वाली तुम कौन हो, बहस करने वाला मैं कौन हूँ? ये तो भगवान की मर्जी है, उसकी मर्जी के बिना पत्ते भी नहीं हिलते। तुम्हारी मनोकामना पूरी करने उसी ने मुझे भेजा है ना जी? तुम भगवान के नाम पर मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, भगवान ने हिंगलाज मंदिर जाने का मेरा योग तुम्हारे हाथों में लिखा है। ट्रेन आती ही होगी, जल्दी सोच लो, माँ के भक्त की मनोकामना पूरी कर दो वरना उसे बुरा लगेगा। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। आपका इंडो पाक बॉर्डर कहाँ है? तुम्हारी तरह बेकार नहीं है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी हेड है वो, और बड़े लोगों का इंतजार तो हर कोई करता है। ओफो। वेलकम टू पाकिस्तान, द लैंड ऑफ धाम धुम धमाल। बंदे को कयामत राजू कहते हैं। मैं कब से आ गया था, अपने रडार से आप लोगों को चेक कर रहा था। रडार से क्यों चेक कर रहे थे, पास आते तो हम तुम्हें खा जाते। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, सवाल का जवाब देने को नहीं। ओके? अच्छा, ओसामा बिन लादिन से कभी मिले थे? वो साहब के बिन के बारे में अमरीकी एजेंसी को मैं नहीं बताया था। मैं पाकिस्तान का नंबर वन सिक्योरिटी गार्ड हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो इंडियन ही है। तो 30 सालों से दाऊद का है वो भी बता देते। वो तो इंडिया को भी नहीं पता। रुको, ये फ्रंट सीट बहुत ही स्पेशल है। तो क्या टॉप फ्लोर पर जाऊं? जाओ पीछे बैठो, चांस इंडिया में मारना, अभी जाके पीछे बैठो। पहले तो तुझे मारूंगा। ओहो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत अकड़ू है। कयामत जी, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। लाइन खुली है, फोन एंगेज नहीं है क्या? नो। ओहो, ये लो। क्या है? सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखो और साइन करना, साइन ना आए तो अंगूठा मार देना। क्यों? हिफाजत के लिए, मेरे होते हुए कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। तुम दोनों को सुरक्षित मैं ही वापस लाऊंगा। तुम्हारी जान मांग रहा है जो इतने सवाल कर रहे हो? कयामत जी की जबान तुम्हारी तरह झूठी नहीं है, चुपचाप साइन करो। शुक्रिया, ये खुदा का बैंड है, अपने पास ही रखना। हेल्प हेल्प दो बार चिल्लाना, तीसरे हेल्प में मुझे पाना। अगर दुश्मन दो बार हेल्प चिल्लाने से पहले ही उड़ा दे तो? आप इसकी बात का बुरा मत मानिए, अब चलिए ना प्लीज। और तुम चुप करो। सेफ रहना है तो 3 बातें याद रखना। कौन सी? नंबर 1, सच मत बोलना। नंबर 2, बम से बचना। और नंबर 3, खास तुम्हारे लिए चिकने, ज्यादा मत बोलना। इन 3 बातों में ये माहिर है, ये झूठा कुछ भी कर सकता है। ये बहुत ही खतरनाक इलाका है, यहाँ सुल्तान का राज चलता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बिंदे निकाल दो और चुन्नी सिर पर ओढ़ लो, और सिर झुकाए रखना। अगर कोई पूछे तो मत कहना मैं इंडिया से हूँ, मारे जाओगे। मैं टैक्स भर के जल्दी आ जाऊंगा। अगर झूठ बोलते पकड़े गए तो क्या जबान काट लेंगे वो? तेरी नहीं, मेरी काटेंगे। अगर ये पकड़ी गई ना तो पहले गुर्दा निकाल लेंगे, फिर खोपड़ी निकालकर बॉल बना लेंगे। गाड़ी रो। सलाम भाई, सलाम। कहाँ जा रहे हो? और कितना टाइम? ए, बाहर क्यों है? अंदर जा। ये गाड़ी में कौन है? दोस्त, ये तोहफा भाई के लिए है। सलाम। तू चुपचाप अंदर नहीं बैठ सकता था, तेरी वजह से 1000 ज्यादा देना पड़ा। समझता क्या है अपने आप को? चलो जाओ यहाँ से। सुनिए चाचा, गाड़ी रास्ते से हटाओ, बह रहे हो क्या? हे, डेड एंड, खुद जिंदगी के डेड एंड पर खड़ा है और गाड़ी रास्ते के बीच में पार्क की है, हमें जाना है।
ए, एक्सपायरी डेट, गाड़ी हटा वरना तेरी वैलिडिटी खत्म कर दूंगा। एक बहरा बुड्ढा भी इस छछुंदर से नहीं डरता, तो ये हमारी हिफाजत क्या करेगा? कमाल है, तुम्हारे पापा को यही नमूना मिला था। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बैठ जा। ए बुड्ढे, तू यहाँ का तोप होगा लेकिन मुझ में भी बारूद भरा हुआ है। गाड़ी हटा वरना तेरी खाल उतार कर सीट कवर बना दूंगा। इस गधे से गधा भी ना डरे। अपनी हाइट के हिसाब से कितने भारी और बड़े डायलॉग बोल रहा है। All is well, all is well, all is well. अगर ये अपनी पगड़ी और जूते निकाल दे तो उस गधे से भी छोटा लगे। खत्म कर दूंगा। मुझे परेशान करना मौत को दावत देने के बराबर है। मैं तुझे जीप से कुचल दूं या AK-97 के बुलेट से भून दूं, आज तो चलाने की प्रैक्टिस हो ही जाए। कहीं वो चाचा को मार ना दे। चींटी भी नहीं मार सकता। रुको रुको रुको, कयामत जी मेरी बात सुनिए। क्या है? दूसरे रास्ते से चलते हैं। तुम कह रही हो इसलिए इसे छोड़ रहा हूँ, वरना आज तो ये गया था समझो। तुमसे अच्छा तो ये गधा है जो मेरी बात मानेगा। आजा, या, या। अभी तो सफर की शुरुआत हुई है, पता नहीं है 2x2 और क्या क्या करेगा। ए, गाड़ी में जो तुझे दिखाई दे रहा है ना, इस गन की कसम लौटते वक्त नहीं दिखाई देगा। बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं, यहाँ गोली गोली पर लिखा है खाने वाले का नाम। कौन था वो बुजुर्ग? एग्जाम्पल दे रहा था। चलो चलो, हिंगलाज देवी माता का मंदिर आ गया। तुम लोग जाकर आओ, तब तक मैं गाड़ी को चमकाता हूं। दूसरों के पाप को धोती हो पर तुम्हारा मंदिर धोने के लिए कोई नहीं है। शायद ये पुण्य मेरे नसीब में है। अब सुनो, मेरी हेल्प करो ना। तुम अकेली करो? माँ की परम भक्त तो तुम हो ना, मैं तो विजिटर वीजा पर आया हूँ। तुम्हारे पुण्य में मैं भागीदार कैसे बनूं? मैंने तुमसे कहकर ही गलती की, तुम तो किसी काम के ही नहीं हो। तुम यहाँ के नहीं लगते बेटा। हाँ चाचा, मैं हिंदुस्तान से हूँ। देख कर ही पता चल गया, क्योंकि ये मंदिर तो 60 सालों से बंद है, यहाँ तो कोई आता ही नहीं। काफी प्राचीन मंदिर है फिर भी वीरान क्यों लगता है? मैंने इस मंदिर का जो इतिहास पढ़ा है उसके हिसाब से तो लगता है ये मंदिर कुछ 700 से 800 साल पुराना है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद ही ये मंदिर वीरान हो गया। श्री सत्यनारायण वर्मा। पुष्य कलावती डायमंड्स, मेरे दादाजी का शॉप का नाम है। अरे वही थैली, तुम सब यहां क्या ढूंढ रहे हो बेटा? तुम सब यानी चाचा, ये बताइए कि कौन थे वो? ये क्या ढूंढ रहा है? 3 महीने पहले ऐसी ही थैली लेकर कुछ लोग यहाँ आए थे। उन्होंने पत्थर पर जो लिखा है वो अपनी किताब में लिख लिया। कहाँ गए वो? पुरातत्व विभाग के लोग थे बेटा, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर उनका कार्यालय घोर कुश्ती में है। हेलो, पहुँचने के बाद फोन नहीं कर सकता, बेवकूफ कहीं का। पहले ये तो पूछो मैं ठीक हूँ कि नहीं। हाँ, कैसा है तू? और बता कब वापस आ रहा है? हीरे मिलते ही वापस आ जाऊंगा। बाप रे, हीरे? अपने काम को अंजाम देकर ही मैं पाकिस्तान से वापस आऊंगा। पाकिस्तान लूटने आया है, वो भी विजिटर वीजा पर। इसकी सच्चाई पता लगाते हैं, मैच शुरू करते हैं, इंडिया पाकिस्तान प्रीमियर लीग। हो गई तुम्हारी पूजा भक्ति। चले, शाम की पूजा करके ही निकलते हैं ना। गोर कुश्ती में ऐसा ही एक प्राचीन मंदिर है,
वहां की देवी भी तुम जैसे भक्तों का इंतजार कर रही है, चलो। गौर खुश्ती में कोई भी मंदिर नहीं है। मैंने तो नहीं बताया। ये तो मुझे खुदा ने बताया। लेकिन यहाँ तो भगवान का मंदिर है। सबका मालिक एक ही है। वैसे वो आर्कियोलॉजिकल साइट है, वहाँ मंदिर नहीं है। उनके ऑफिस ले चलो, मुझे जानकारी चाहिए। किस बारे में? इस मंदिर के बारे में। अच्छा अच्छा ठीक है, वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, कहीं ठहरना पड़ेगा। कल सुबह चलेंगे, बैठो। वैसे तो इस चाय के ठेले पे अपनी बहुत चलती है, पर आज तू चाय पिला। चल चल, खुद के पैसे से पी। ए, मुझसे पंगा मत ले, मैं यहाँ हर जगह धमाका कर सकता हूँ। ज्यादा बोलेगा ना तो तुझे भी किसी मार्केट में खड़ा कर दूंगा और बम से तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। दूर दूर तक मैं फेमस हूँ, टेररिस्ट मेरे नाम से कांपते हैं, चाय नहीं पिलाएगा। एक चाय मारो इसे। कयामत साहब, क्या हुआ? आपसे कोई मिलने आया है। मिलने आया है? कौन है? कहता है उधार चुकाना है। अच्छा ऐसा? कहाँ है? ये लो, ये रोटी खाओगे? रोटी, तंदूरी रोटी, मेरी तरफ से एक के ऊपर एक फ्री 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 सेल लगा है। अरे देखो, ये बच्चे की जान लेना चाहते हैं। अरे तुम्हें तो कहमत भाई, चचा ने उधार चुकता किया कि नहीं? मैं सब जानता हूँ, तुम मुझे ऊपर पहुंचाना चाहते थे। अच्छा हुआ मैं भाग निकला, वरना मेरा भूत यहाँ बैठा होता, तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं। लो देखो, सुनी दीजिए आ गई। उतरो उतरो, पीछे बैठो, जाओ। हाँ, तेरी बहन को ही बैठा बाजू में। आइए आइए। क्या बात है कयामत जी, आज बहुत फ्रेश लग रहे हैं। हाँ सुनी दीजिए, पूरा फ्रेश हो गया हूँ। सुनिए, हाँ ये आदमी है ना, मुझे इस पर फुल डाउट लग रहा है। गुटर को करना बंद कर, चाचा को बुलाओ क्या? ए हीरो, वो देख तेरी आर्कियोलॉजिकल साइट। रुक 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 रुक, अब क्या है? उतरना रास्ते में कितनी बार रुकवाता है, मुझे अपना ड्राइवर समझ के रखा है क्या? फ्री का ड्राइवर। अबे तेरे खटारे में इतनी आवाज क्यों आ रही है? हाँ, मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। उस बहरे बुड्ढे की आत्मा तुझ में घुस गई है, चेक कर। हाँ, तब तक मैं मंदिर का पता पूछ कर आता हूँ, ठीक से चेक करना। गाड़ी की फायरिंग तो इसकी फायरिंग से अच्छी है, मुझे बेवकूफ बनाता है आइडिया। मैडम जी, वो मंदिर देखने नहीं आया, वो यहाँ पर हीरे ढूंढने आया है। मुझे तो ये इंडियन मुजाहिदीन लगता है या फिर गब्बर सिंह का चेला है। वो हम दोनों को क्या बोल के गया है कि गाड़ी में आवाज आ रही है, लेकिन वो नहीं जानता है कि उसकी आवाज मेरे कानों में आ रही है। ये देखिए, सुनिए, कुछ बोला क्या? इसमें से तो गधे की आवाज आ रही है। गधे की आवाज? आ, उसी की आवाज है। लग तो ऐसे रहा है जैसे कि गधे की बीवियों से मार रही हो। ये बात है, लाओ सुनता हूँ। वो गधा बन गया या मुझे गधा बना के गया? एक मिनट मैडम जी, मैं ध्यान से सुनता हूँ फिर आपको बताता हूँ। एक्सक्यूज मी। जी फरमाइए। मुझे कुछ जानकारी चाहिए। आगे से राइट में ऑफिस है। थैंक यू। शुक्रिया। भाईजान यहाँ का इंचार्ज कौन है? जी फरमाइए। जना मैं गौतम हूँ, इंडिया से आया हूँ। मैं हिंगलाज देवी के मंदिर गया था, वहाँ पर ये कहाँ से मिला आपको? ये थैली मेरे मरहूम दादाजी की है, यहाँ उन्हीं की जानकारी हासिल करने आया हूँ। उन्होंने हिंगलाज देवी के बारे में लिखा था, इसलिए मैं पाकिस्तान आया। मंदिर के पत्थर पर उनका नाम भी लिखा है। वहाँ बैठे बाशिंदों ने बताया कि आप भी ऐसी थैली लेकर गए थे, इसलिए मैं जानकारी हासिल करने आया। इसमें जो हीरे थे कहाँ है? कोई हीरे नहीं थे, थैली में कुछ नहीं था। झूठ हमें गवारा नहीं है, तुम यहाँ वाकई अपने दादाजी को ढूंढने आए हो? सच बोल रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ, मैं खुद अपने दादा के बारे में पता करने आया हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। हमें खुदाई करते वक्त और भी ऐसी कई चीजें मिली, हमें लगा कि उन चीजों का हमारी रिसर्च से कोई ताल्लुक होगा, पर एक साल बर्बाद करने के बाद जब हमने इसकी जांच की तो हमें पता चला ये पेशावर के किसी हीरे के व्यापारी की थैली हुआ करती थी। मतलब दादाजी हीरे के व्यापारी थे? अगर ये थैली तुम्हारे दादाजी की है तो तुम्हारे दादाजी ही हीरों के व्यापारी थे। हुजूर, क्या मैं आपके रिसर्च की फाइल देख सकता हूँ? शायद जितना जानता था उतना बता दिया। पेशावर जाओ और वहां जाकर पूछताछ करो, और भी काम है हमें।
मेरे पास ऐसा ही लॉकेट है। या मेरे खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा जन्म आबाद हो गया। मुझे लगा था कि खजाने के दीदार किए बिना ही मैं इस दुनिया से रुखसत ले लूंगा। या मेरे खुदा, या मेरे खुदा। या मेरे मौला, आज से मेरे गुलामी के दिन खत्म। जिस चाबी को हम तलाश रहे थे वो आज हमें मिल गई। बोलो सुल्तान, कनिष्क साम्राज्य का खजाना बहुत जल्दी हमारा होगा। जिस चाबी को हम खोज रहे थे वो एक हिंदुस्तानी के पास थी। सुभान अल्लाह, शाबाश बेटा शाबाश। पैसा, सोना चांदी, जमीन, आसमान, शान शौकत, जो भी उस हिंदुस्तानी को चाहिए दे दो, दे दो उसे। अगर उस खजाने को जल्द मैंने अपनी निगाहों से नहीं देखा तो इंतजार में कहीं अल्लाह को प्यारा ना हो जाऊं। हिंदुस्तानी। सुल्तान ने फरमाया तुम जो चाहे मांग लो, तुम्हारी मुराद पूरी की जाएगी। तुम ये चाबी हमें सौंप दो और जो चाहे ले लो। ये चाबी सेल में नहीं लगी जो मैं तुम्हें दे दूं। और हाँ, ये मेरे दादाजी की अमानत है, मैं नहीं दे सकता। तुम सब देखना चाहो तो दिखा सकता हूँ। अगर तू शराफत से नहीं देगा तो मैं निकालना जानता हूँ। मौत का खौफ है तो चुपचाप चाबी दे दे, जितना पैसा चाहिए मिलेगा, लेके वापस चला जा। जो मेरा नहीं वो मैं लेता नहीं, और जो मेरा है मैं वो छोड़ता नहीं। खुदा हाफिज। पकड़ो उस काफिर को। Oh!
गाड़ी चालू कर। कम ऑन, जल्दी 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 गाड़ी स्टार्ट कर। भगा भगा, जल्दी भगा। हिंदुस्तानी, तू यहां से बच के नहीं जा सकता। जब तक चाबी नहीं मिल जाती, तू पाकिस्तान छोड़ के नहीं जा सकता। टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। क्या हुआ, वो तुम्हें धमकी क्यों दे रहा है? मुझे क्या पता, देखने में वो कितना खतरनाक है। तुमने ही उसकी बीवी को छेड़ा होगा। वो बिना वजह तुम्हें मारने की धमकी दे रहा है। कहाँ है वो चाबी? वो किस चाबी की बात कर रहा है? वो इस लॉकेट को चाबी कह रहा है। मैंने कहा ये मेरे दादाजी का लॉकेट है, मानने को तैयार नहीं। वो भाग गया, कमजोर। हमारी किस्मत की चाबी तुम्हारे हाथ से निकल गई। तुम्हारी ये जरूरत, मिलिट्री बुलाओ, पुलिस अलर्ट करो, अपने आदमी भेजो। मुझे किसी भी हाल में वो चाबी मिलनी चाहिए। वो कमीना बॉर्डर क्रॉस नहीं करना चाहिए, उसे पकड़ो। तुम्हें लाकर मुसीबत मोल ले ली। क्या सुना था तुमने? अब क्या बताऊँ, मैंने सुना, वो तुम सुनती ना तो बेहोश हो जाती। मुझे तो ये टेररिस्ट लगता है। अब हम क्या करें? तुम तो समझदार लगती हो, इसकी बातों पर तुम एक शब्द नहीं बोलोगे। कयामत जी को तुम्हारी सारी सच्चाई पता है। कैसी सच्चाई? तुमने हिंगलाज देवी मंदिर में जो कहा, मैंने कान में मशीन से सुना। क्या सुना? वो राउंड राउंड डायमंड्स। तो वो मेरे हैं? झूठ कह रहे हो। सच कह रहा हूँ, वरना मुझे शौक नहीं है यहाँ पेशावर में खमखा मरने आऊँ मैं। झूठ बोलने में इसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। मैंने कानों से देखा और आंखों से सुना है। ये हमें और बेवकूफ नहीं बना सकता। ए, स्टॉप, सुनो, इस गाड़ी को साइड में लो। एक मुसीबत खत्म नहीं हुई कि दूसरी शुरू हुई। सबसे बड़ी मुसीबत तो तू ही है। सलाम अलैकुम। पासपोर्ट लेकर आ। पासपोर्ट दो दो, पासपोर्ट दो, पासपोर्ट दो। यहाँ क्यों आयो? यहाँ आने की क्या वजह? मंदिर दर्शन करने के लिए। कौन सा मंदिर? हाँ, हिंगलाज देवी। यहाँ कोई दर्शन के लिए आता है? चलो 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 चलो, चल तू भी चल। आंखें किसको दिखाता बे? चल आगे चल, हाथ अपने सर के पीछे रखो, चलो जल्दी करो। वो मिल गए जनाब। अगर वो लॉकेट सुल्तान को नहीं मिला तो तू तो गया, टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। तुम में से कोई नहीं बचेगा। हाथ सर के पीछे रखो, रखो। कमांडर गनी कॉलिंग, सुल्तान सुल्तान, कमांडर गनी कॉलिंग, ओवर। बोलिए कमांडर गनी, ओवर। जनाब, आपको जिस हिंदुस्तानी की तलाश है वो हमारे कब्जे में है। उसके साथ उसका एक साथी और एक मोहतरमा भी है। गाड़ी में बैठो। ये तो कंफर्म टेररिस्ट है, पुलिस वालों को भी मार दिया, हमें भी मारेगा। पता नहीं आज सुबह सुबह किसकी शक्ल देखी थी। रुक जाओ। मंदिर में भगवान मिले, बाहर मिले शैतान। ये बताओ तुम्हारा उनसे क्या कनेक्शन है? पहले ये पता करना है कि उनका लॉकेट से क्या कनेक्शन है। तुम मुझे बेवकूफ बनाना बंद करोगे? मेरी माँ, तुम मुझ पर शक करना बंद करोगी? दो दिन में मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। तुम्हें इंडिया सुरक्षित पहुँचाने का जिम्मा मेरा। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। तुम पाकिस्तान क्यों आए थे, सच बताओ ना प्लीज। मेरे दादाजी यहाँ हीरे के व्यापारी थे। इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन से पहले वो पेशावर में थे। दादाजी की फेरी टेल की वजह से तुमने हमारी जान खतरे में डाल दी। पता नहीं मैं कहां फंस गया हूं। गाड़ी रोको। क्यों? अरे क्या क्यों, जल्दी गाड़ी रोको वरना यही हो जाएगी। गलत टाइम पर लगती है इसे। अभी नहीं आई तो कभी नहीं आएगी। बहन, अब आगे का सफर तुम्हें मुबारक हो। जान बची ना तो फिर मिलेंगे, पर ऐसे पागल का साथ मैं नहीं दे सकता। इस सर फिरे को सुल्तान के आदमी यहाँ नहीं तो वहाँ से ढूंढ निकालेंगे, इसलिए मैं ये सफर छोड़ रहा हूँ। ये जीप मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा, रक्षाबंधन का गिफ्ट समझ के रख लो। ए, रुको। नहीं रुकूंगा। रुको, रुक जाओ। तुमने मुझे सुरक्षित बॉर्डर पार करवाने का अग्रीमेंट किया है, अगर मुझे बीच में छोड़ा तो मैं तुम पर धोखाधड़ी का केस कर दूंगी। यहाँ दफन होने से अच्छा है मैं बुड्ढे होने तक केस लड़ूं।
मैं तुम्हें पेशावर के इंडियन एम्बेसी में सही सलामत छोड़ दूंगा, वो तुम्हें सुरक्षित इंडिया वापस भेज देंगे। लेकिन मैंने मैं क्या उन जैसा आतंकवादी हूँ जो तुझे मुझसे डर लग रहा है? हमारे रहने के लिए कोई महफूज जगह ढूंढ, फिर तू चाहे तो यहाँ से दफा हो सकता है। माना कि तुम आतंकवादी नहीं हो, वो लोग तो आतंकवादी हैं। मुझे अपना एजेंट बनाकर अमेरिका भेज दिया तो लगता है मेरे घर वालों को इंश्योरेंस के पैसे जल्दी मिलने वाले हैं। नीम की चार गोली दी फिर भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। कैसी चार गोली? नहीं कुछ नहीं, पेट में गुड़गुड़ है, जुलाब की चार गोली ली है। ओ, ये बात है। अरे ये क्या किया? बैठ 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 जा, बैठ जा। बेहोश हो गया। अरे ऐसे क्यों मारा तुमने? और क्या करूं, पाकिस्तान में आकर यहाँ के लोगों से पंगा ले रहा है। ये देखो, ये लॉकेट या चाबी जो भी है हम उन शोधकर्ताओं को दे देंगे, तुम इंडिया चली जाना और मैं ड्यूटी से फ्री हो जाऊंगा। चलो। और इसका क्या? इसका टेंशन तुम मत लो, खुदा देख लेगा या होश आते खुद का रास्ता ढूंढ लेगा। वो मार डालेंगे इसे, मैं इसे इसके माँ बाप के पास पहुँचा दूंगी। मुझे लगता है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ठीक है, इसके माँ बाप को कहना इसे अच्छे हकीम के पास दिखाए। ये शोर कैसा? अरे डरो मत, ये खतरनाक खेल खेल रहे हैं बुशकाशी। इस खेल का कोई नियम कोई कानून नहीं है। जो भी घुड़सवार मरी हुई बकरी को रिंग में डालेगा, बकरी उसकी। नाम क्या है? जो भी चाहे रख लो। बाहर आ! छोड़ दो साथियों, हमें खेलने के लिए नया खिलौना मिल गया। छोड़ दो इसे वरना गोलियों से भून दूंगा। इसे घोड़े पे बिठा लो। ये हूर जहाँ हमें खुश करने आई है, वल्लाह ये खूबसूरत और जवान भी है। मरी बकरी में क्या मजा, इस नगीने को जो भी रिंग में डालेगा वो इससे निकाह करेगा। ए हिंदुस्तानी, आज तो मैं तुझे अपनी बना के रहूंगा। Thank you.
कौन है तू? उससे तुम्हें क्या, तुम्हारे कायदे से खेला हूं। तुमने कहा था कि जीतेगा वो लड़की ले जाएगा। शाबाश, ये तुम्हारी हुई। ए, रुको रुको रुको, वहां देखो कयामत जी। मैं यहां हूं। आप मटक मटक कर क्यों चल रहे हैं? लगता है घोड़े पे बैठकर पाइल्स हो गया है। डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मंजिल तक पहुंच ही गए। रुको रुको, लो यहाँ वहां घूरना शुरू कर दिया। बताइए क्या है? पुराना डायमंड मार्केट है, समझे? तुम्हारे दादाजी की जानकारी यहीं से मिलेगी। जाओ किसी से पूछ लो। कल सुबह पूछताछ कर लूंगा, आज रात आराम कहाँ करना है वो बोल। सुनो ए, अगर किसी होटल में गए ना, वहाँ से सीधे कब्रिस्तान पहुँच जाएंगे। यहाँ कोई महफूज जगह नहीं है क्या? क्या रे, क्या मैं पेशे से चोर हूँ जो हर मोहल्ले की जानकारी रखूँ? बात करता है। हॉस्पिटल मिल गई। कौन, कहाँ मिली? शुक्रिया, फरमाइए जनाब। कुछ ज्यादा ही सीरियस केस है, इन्हें एडमिट कर लो। क्या हुआ इन्हें? मैं थोड़ी ना डॉक्टर हूँ, फुल बॉडी चेकअप करके बताऊं। डॉक्टर चेकअप करने कल आएंगे, चलेगा? हमें कोई परेशानी नहीं है, एडमिशन फॉर्म भर दे भाई। ये आपका कमरा है, कुछ चाहिए हो तो बताएं। कल सुबह मैं डायमंड मार्केट जाकर अपने दादाजी की दुकान ढूंढूंगा, तुम दोनों यहीं रुकोगे। बेहतर होगा, इन्हें भी साथ ले जाओ। पेशेंट को बाहर मत ले जाओ, मैं बहुत बीमार हूँ, तुम चली जाओ। ए मां, ए मां। जनाब, यहाँ पुष्य कलावती डायमंड्स की शॉप थी, पता है? नहीं, हमें इल्म नहीं। जनाब, यहाँ 60 साल पहले पुष्य कलावती डायमंड्स की शॉप थी, क्या आप जानते हैं कहाँ है? हाँ, आप आगे से बाएं तरफ चले जाइए, वहाँ पर एक पुरानी हीरो की दुकान है, शायद वहाँ पर आपको कोई खबर मिल जाए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। चाचा। बोलो बेटा। 60 साल पहले यहाँ पुष्य कलावती डायमंड्स नाम की शॉप थी। क्या? हाँ, मिल गया।
10 साल से मैं उस चाबी को ढूंढ रहा हूं। जब मुझे पता चला कि वो तुम्हारे पास है तो मैं खुशी से पागल हो गया। तुम्हें वो मिली या तुमने चुराई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे वो चाबी चाहिए। कौन सी चाबी? कुछ याद आया? कितनी बार कहूं कि वो लॉकेट है, चाबी नहीं है। लॉकेट कहो, चाबी कहो, चाहे जो भी कहो, अगर वो तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें इंडिया जाने दूंगा, वरना यहीं मरोगे। नहीं दूंगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं जानता हूं चाबी मिलते ही तुम मुझे मारने के लिए एक सेकंड भी नहीं सोचोगे। दूंगा तो भी मारोगे, नहीं दूंगा तो भी मारोगे। मैं नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। जानता है लोगों में मेरी इज्जत से ज्यादा दहशत है? कांपते हैं वो मेरे डर से, खौफ से कांपते हैं वो। मैं वापस आऊं तब तक इसमें मेरे नाम का खौफ पैदा करो। ईमान से कहता हूं, तेरे जिस्म में एक भी हड्डी सलामत नहीं छोड़ूंगा। बता चाबी कहां है? इसकी उंगली में सुई घुसाओ, बताओ बताएगा या नहीं? बस मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, वो चाबी कहां है? जितनी कोशिश करनी है कर ले, मेरा मुंह नहीं खुलेगा, तुझे मैं कुछ नहीं बताऊंगा। इसे ना मौत से डर लगता है और ना ही मुझसे डरता है ये। इसे कल सुबह पेशावर ले जाओ, चौराहे में लोगों की भीड़ के सामने इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। इसका कटा सर ले जाकर इसके साथियों को ढूंढो और उन्हें दिखाओ, फिर चाबी अपने आप मिल जाएगी। तेरे पास कल सुबह तक का वक्त है, अगर तू मुझे बताना चाहे तो तेरी जान बख्श दी जाएगी। भिखारी की तरह कितनी बार हाथ फैलाएगा? अगर मेरे ना हो तो मुझे करोड़ रुपए भी नहीं चाहिए, और अगर मेरे हो तो मैं एक रुपया भी नहीं छोड़ता।
तुम्हारा नक्शा कैसे बिगड़ा? सुनिधि कहाँ है? मतलब एक औरत आई थी, मेरे सिर पर बंदूक रखी और सुनिधि को अपने साथ ले गई। तो तूने उसे बचाया क्यों नहीं? बंदूक के सामने मजबूर था। उसने एड्रेस दिया है और कहा कि तुम्हारे आने तक वो सुनिधि का पूरा ख्याल रखेगी। अपना नाम बताया? वो तो नहीं बताया, पर बातों से वो खतरनाक नहीं लग रही थी। पता डायमंड मार्केट के पास का ही है। चल मेरे साथ। मैं क्यों आऊं? तुम तो कच्चे कुंवारे हो, लेकिन मैं तो बीवी बच्चों वाला आदमी हूं। मुझे माफ कर दो। तुम्हें तो चोट लगी है, किसने मारा तुम्हें? बाद में बताऊंगा। यहाँ पाकिस्तान में तुम सबको जवाब देते देते थक गया हूँ। अब तुम मेरे सवालों का जवाब दोगी। मैं जानता हूँ कि तुम सब इस लॉकेट के पीछे पड़े हो, पर ये नहीं जानता कि इस लॉकेट में ऐसा है क्या। बोलो बोलो। सुनो, मैं तुम्हें चार असली हीरे दूंगा। मंसूर या सुल्तान, किसी को इस बात का पता नहीं चलेगा। अगर मुंह नहीं खोला तो वो भी गवाह बैठोगी। एक बार सोच लो, हमारे मुल्क का खजाना डोनेट करने वाले आप कौन हैं? हमारे जीते जी आप जैसे लुटेरे को अपने मुल्क का खजाना नहीं ले जाने देंगे। ये मेरे दादा की दौलत है और मैं उनका वारिस हूँ। अब बताओ लुटेरे कौन है, तुम लोग या मैं? तुम्हें ये कहां से मिला? आपसे मतलब? आप इसके बारे में कैसे जानते हैं? इसका जिक्र उनकी डायरी में था। उसमें और क्या लिखा था? तुम्हें समझाने के लिए मुझे तुम्हें 60 साल पहले की हकीकत बतानी होगी। ओह नो, फिर दादाजी की फेरी टेल। तुम्हारी बिना सिर पैर वाली कहानी मैं नहीं सुनना चाहती। आई वांट टू नो, प्लीज डोंट। इसके तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है, प्लीज थोड़ी देर शांत बैठो। पता चला कि वो डायमंड्स वहां कैसे पहुंचे। ये धातु का पक्षी 400 साल पुराने कनिष्क साम्राज्य का प्रतीक है। राजा कनिष्क ने अपनी सारी राज्य संपदा शत्रुओं से बचाने के लिए एक गुफा में छुपाई थी। गुफा का रास्ता किसी को पता न चले, इसलिए उन्होंने इस स्टैच्यू के ऊपर एक हुंडी वाला खुफिया रास्ता बनाया था। सारे पक्षी उस हुंडी में ताले का काम करते थे। उन पक्षियों पर जब एक निर्धारित वजन रखा जाए तो बाकी के पक्षी हिलने लगते और हुंडी का ढक्कन अपने आप खुल जाता। आपके दादाजी के हीरो की थैली का वजन उतना ही होगा जिससे सारे ताले खुल गए होंगे। हुंडी का ढक्कन खुला होगा और ऊपर रखी पोटली अंदर गुफा में गिर गई होगी। मेरे हाथ खोलो।
अगर आप अपने दादाजी के डायमंड्स तक पहुंच गए तो सिर्फ आपको हीरे नहीं राजा का बेशकीमती खजाना भी मिलेगा। देखिए, इन्हें ढूंढने में आज तक न जाने कितने लोगों की जाने गई हैं। किसी की खजाने की लालच की वजह से तो किसी की इतिहास उजागर करने की ख्वाहिश की वजह से। खूंखार आतंकवादी हर कीमत पर इस खजाने को पाना चाहते हैं, जैसे मंसूर और सुल्तान। दुनिया को इतिहास से रूबरू कराना चाहते थे हमारे अब्बा, लेकिन उनका कत्ल कर दिया गया। उनके सामने मौत थी, फिर भी उन्होंने सुल्तान को खजाने का राज नहीं बताया। अरे गुड न्यूज है, खजाने के हम बेहद करीब हैं। कनिष्क साम्राज्य के धातु के पक्षी का स्टैचू हमें मिल गया है। अल्लाह का शुक्र है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। वो गुप्त रास्ता जमीन के अंदर है। हम प्रेस को इत्तला करते हैं। नहीं अभी नहीं, जब तक मैं यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म न कर दूं तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी, और सुल्तान को तो इस बात की जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए। वो चाहते थे आवाम की जागीर आवाम के काम आए। अब्बा का ख्वाब पूरा करने और सुल्तान के मकसद को नाकाम करने के लिए हमें उनके बीच जाना पड़ा। इस बॉक्स को पाना ही हमारा मकसद है। अब्बा के रिसर्च पेपर्स के मुताबिक इस बॉक्स में एक नक्शा है। खजाने को पाने के लिए हमें उसे समझना होगा। ये बॉक्स सुल्तान के पास है, इसे हासिल करना होगा। गरुड़ की आकृति वाला ये लॉकेट शायद यही इस बॉक्स की चाबी हो। आपके दादाजी से पहले ये लॉकेट ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट डेविड के पास था। लोग कहते हैं कि वो इस चाबी को लेकर गुफा में गए जरूर थे, लेकिन कभी लौट कर नहीं आए। हो सकता है आपके दादाजी को उन्हीं के कंकाल से ये लॉकेट मिला हो। मतलब हमें वो बॉक्स वापस चाहिए। ये काम इतना आसान नहीं है। ये सुल्तान का घर है, चारों तरफ सिक्योरिटी तैनात है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर उसका बेडरूम है, बेडरूम के नीचे एक सीक्रेट रूम है। हमने मंसूर को कहते सुना कि वो अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सोना और पैसे यहाँ रखता है। यकीनन बॉक्स भी यहीं रखा होगा, पर आज तक किसी ने उस कमरे में जाने की हिमाकत नहीं की, जिसने की वो कभी लौट कर नहीं आया। इन ट्रांसफॉर्मर्स को पावर कहाँ से मिलता है? यही ट्रांसफॉर्मर हमें उस सीक्रेट रूम तक पहुंचाएगा। मेरी जिंदगी आपकी है, मेरी किस्मत अच्छी है जो आपके लिए इसे कुर्बान करने जा रहा हूँ। आपके दुश्मन मेरे दुश्मन, आपका मकसद मेरा मकसद, आपकी जीत। 5 मिनट में जनरेटर शुरू हो जाएगा, संभल कर जाना। मैं खुदा की राह पर चल रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत दूसरे नौजवानों। ये बिजली क्यों गई, जाकर देखो क्या हुआ। हमारी इस कुर्बानी से तुम्हें जन्नत नसीब होगा। हमें तुम पर नाज है। चलो। क्लच दबाते ही बॉम्ब एक्टिवेट हो जाएगा, और जब छोड़ोगे तो फट जाएगा। मार्केट में दाखिल होते ही तुम क्लच दबा देना, और जैसे ही हम सिग्नल देंगे क्लच छोड़ देना। अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे मेरे बच्चे। ये नेक काम है, हमसे पहले तुम अल्लाह से मिलने वाले हो।
नकाब निकालो, मुस्कुराते हुए कुर्बान हो जाओ बच्चे। डर लग रहा है क्या? मैं जानता हूं कि ये सब जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन 13 बरसों पुराना सपना तबाह हो जाएगा। सोच ले सुल्तान। कर वो हमें सलील कर गया। गाड़ी में वायर है ना? डरो मत। ये सब क्या है? जब तक क्लच नहीं छोड़ता हमें कुछ नहीं होगा। बेल्ट खोलो। जल्दी संभल कर। गाड़ी में बैठो। कुछ तो गड़बड़ है। चाबी तो यही है। अब्बा ने इसी का जिक्र किया था, पर ये चाबी लग क्यों नहीं रही है? अब्बा की रिसर्च गलत हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। डेविड की किताब में भी तो यही लिखा है। अगर बॉक्स को गलत चाबी से खोलते तो एसिड बॉटल टूट जाती और नक्शा जल जाता। इसे समझने में तो सालों लग जाएंगे। किताबों में हिंगलाज देवी के मंदिर की तस्वीर ऐसी हुआ करती थी। हा? और हाँ, उसमें मंदिर से गुफा में जाने के रास्ते का भी जिक्र था। दादाजी ने यही लिखा था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। छी! तुम्हारे दादाजी की तो। अरे मैं सच कह रहा हूँ। 2, 3, 4, 5 पांच पड़ाव है। इन्हें पार करके ही हम हिंगलाज मंदिर से यहाँ गुफा के खजाने तक पहुँच सकते हैं। हमें किसी भी तरह इन 5 पड़ावों को पार करना होगा। मुझे लगता है ये सिंबल बताते हैं कि हमें ये पड़ाव कैसे पार करने हैं। कल सुबह वहाँ चलते हैं, तब भी नक्शे का रास खुलेगा। इतने पड़ाव हैं, उसमें लॉक सिस्टम है, इतना आसान नहीं होगा ये। देखो मैं क्या कह रही थी कि वहाँ जाना मतलब मुसीबत को मोल लेना। इसका डरना बिल्कुल जायज है। अभी वहाँ जाने का मतलब है मौत से रूबरू होना। किसी को कुछ नहीं होगा, आगाज तो हो चुका है, अंजाम भी अच्छा होगा। दादाजी का आशीर्वाद मेरे साथ है। हमें लगता है गुफा तक जाने का रास्ता मूर्ति के आसपास ही होगा। ओम
भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। मैप के हिसाब से यही होना चाहिए। कहाँ है? अगर यहाँ होता। संभल के। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। ये शायद कोई क्लू है। हमने जो 5 पड़ाव सोचे थे, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। यहाँ तो सिर्फ चक्र बने हैं, लेकिन जैसा मैप में दिख रहा है, अगर हमने सारे चक्र सही क्रम में लगाए तो हो सकता है खजाने का दरवाजा खुल जाए। मुझे नक्शा दो। पकड़ो। सारों को घुमाओ। धीरे धीरे धीरे। ये कैसी आवाज है? खजाना यही होगा। हमारे बगैर हमारे ख्वाब को पूरा करना हमसे गद्दारी है। फेंक दिया, तुझे तो मैं निस्तनाबूद कर दूंगा। भला उस नक्शे की अब मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? तूने नक्शा अच्छे से पढ़ लिया होगा, अब तू मुझे खजाना दिलाएगा? खजाने तक ले चल मुझे, वरना खून डालूंगा। होशियारी नहीं, खड़े रहो। लड़की को मार। तू मुझे खजाने तक ले जाएगा या मैं इसे कुएं में डाल दूं? और इसे भी भेज दूं खजाने के पास। बोल। नहीं, मैं ले जाऊंगा। चल चल। जल्दी खोल, जोर से मार, जोर से मार। दरवाजे को तोड़ दो, मार जोर से। Thank you.
साले तूने नक्शा पढ़ा है ना, तू मुझे मारना चाहता है, यही प्लान है ना तेरा? नक्शा गाइड बुक नहीं है जो साफ साफ लिखा हो, उल्लू का पट्टा। देख के चल। ये तो पहले की तरह हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मुझे लगता है इसे लॉक करना होता है। हाँ, हो सकता है। तुम बंद करो, मैं इसे पकड़ती हूँ। थोड़ा और घुमाओ। ये बाहर क्यों आया? लगता है लॉक टूट गया, मैंने कुछ गलत कर दिया। अब ये क्या? इसमें भी कुछ राज है। पानी दोबारा ऊपर आए उससे पहले हमें अंदर जाना होगा। हमारे पास 5 मिनट हैं। चलो। पांच मिनट में कैसे होगा? इसे तुम्हारे बैग में रखो। चलो। इस बार तुम पहले जाओ, हम पीछे रहेंगे। एए, तू कहाँ जा रही है? पहले तू जा। मरने दो सालों को। इस तरह घूरना बंद कर, चल। हम बाहर कैसे जाएंगे? जिस रास्ते से मेरे दादाजी गए थे उसी रास्ते से। अली माचिस दे। ए, तू उसे जला। इस वक्त हम कहाँ हैं? मुझे लगता है पाकिस्तान काबुल की बॉर्डर है ये। मतलब काबुल नदी पास ही है। करेक्ट। सही रास्ते जा रहे हैं ना? भगवान जाने तुम्हारे दादाजी किस रास्ते से गए थे। जल्दी चलो, भागो भागो। वही ब्रिज है ये जिसका जिक्र दादाजी ने डायरी में किया था। आगे बढ़, आगे चल।
आगे चलते रहो। खजाने तक हाथ से ले जाएगा, जा छोड़ दिया। इसे तो मेरे हाथों मरना था, इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था। तैर कर जन्नत पहुंच जाएगी। पास आते ही जंप करो। छोड़ दे इसे, मर जाने दे। जिससे प्यार करते हैं उसके लिए जान दिया करते हैं हरामजादे। हाथ मत छोड़ना सुनिधि। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं।
मेरे दादाजी यहां आए थे, पिछड़ो। कुएं के बीचों बीच बक्से तक पहुंचने के लिए फूल को उल्टी दिशा में लगाना होगा। किताब के हिसाब से नीचे वाले चक्र को 3 बार दाईं ओर घुमाना होगा, ऊपर वाले चक्र को 3 बार बाईं ओर घुमाना होगा और फिर 1 बार दाईं ओर, और फिर बीच में दबाने पर मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बन जाएगा। मेरे दादाजी यहां से गिरकर बच गए थे, मुझे लगता है नीचे से ही बाहर का रास्ता है। उन्होंने लिखा था कि किसी चीज को पकड़ा था उन्होंने। छूना मत! एक भी गलत कदम उठाए तो सब मारे जाएंगे। कोई नहीं जानता किसी चीज को छूने से क्या अंजाम होगा। मुझे वो पंछी दो। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मैं थोड़ी रोज रोज आता हूँ, जो मुझे पता होगा। पता नहीं तो नक्शा को फेंक दिया। ए, जिस लड़की को नक्शा पता था उसे तूने पानी में फेंक दिया। चक्र दो। आवाज होते ही दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा खोलो, खोलो से, खोलो। हाँ।
चिल्लाओ मत। देखो ताले मारे जाएंगे। तुम सब के सब मरोगे। ए खामोश। क्या ये तो जान ले लेगी। सुल्तान बचाओ। सुनिधि अंदर हो जाओ। सब नीचे हट जाओ। तुम पर यकीन करके गलती की। हम इससे कैसे बचेंगे गौतम? कोई ना कोई रास्ता होगा। राजा ने इस चीज को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा। बाहर निकल, निकल बाहर। इसे रोकने का रास्ता मिल गया। बॉल के अंदर के उस त्रिशूल को निकालना होगा, जिससे बॉल नीचे रखी थाली पर गिरेगा और ये बंद हो सकता है। त्रिशूल को कैसे निकालें? लगता है खजाना उस दरवाजे के पीछे है। जाओ दरवाजे खोलो जल्दी। अगर हम आगे बढ़े तो जान से जाएंगे, गलत जगह पर पैर रखते तीर चलेंगे, बचने का कोई मौका नहीं। ये त्रिशूल इसकी चाबी हो सकती है। आह
तू पहले जा। काम यहाँ पूरा हुआ, अबे बाहर कैसे जाएगा? इस पूरे खजाने को पंछी बनकर पुर से उड़ा ले जाऊंगा, पर तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाथ पकड़ दो उसे। देखते क्या हो, टुकड़े टुकड़े कर डालो। खजाना तो मैंने देख लिया कमीने, मगर एक पल के लिए तेरी आंखों में खौफ देखना चाहता था, वो नहीं दिखा। अब तू अपनी मासूम को मरते देख। एक हिंदुस्तानी तो जैसे सैकड़ों आतंकवादियों के लिए काफी है। हमें अल्लाह ने बचा लिया ताकि हम अब्बा की मौत का बदला ले सके। पानी के तेज बहाव से हम दूसरी तरफ आ गए। नक्शे में हमने जो पढ़ा था उसकी मदद से हम यहाँ तक पहुँच गए। खुदा नेक बंदों की हमेशा हिफाजत करता है। इतिहास के पन्नों को हमने हकीकत में तब्दील कर दिया। आओ।
हीरे मिल गए दादाजी की बात सच निकली। दादाजी यू आर ग्रेट। इस खजाने से तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरे ना हो तो मुझे करोड़ रुपए नहीं चाहिए, पर अगर मेरे हो तो मैं एक रुपया नहीं छोड़ता। तुम्हारे अब्बा चाहते थे ये सारा खजाना गवर्नमेंट के हवाले हो, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अब यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? दादाजी ने इंडिया जाने के खुफिया रास्ते के बारे में भी लिखा होगा ना? जिस तरफ से मैं आई थी वहाँ से तुम इंडिया बॉर्डर पहुँच जाओगे। दादाजी अपनी बहू के लिए बहुत कुछ छोड़कर गए हैं, दादा की बहू बनोगी? हाँ क्यों नहीं। माँ जब तुम्हें अपने हाथों से ये पहनाएगी तो कहेगी कि उसके अनाड़ी बेटे को एक खूबसूरत बहू मिली है,